नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता चोलापुर, संसद वाणी से। आज हम लोकसभा मछली शहर क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जनता की क्या राय है, भाजपा के नेताओं की क्या राय है, कौन से मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जाते हैं और क्या क्या बातें अपने वोट के लिए मांगते हैं कि हमारे लिए क्यों वोट किया जाए। पहले भाई साहब हैं मौजूद यहाँ पर, हम इनका परिचय लेते हैं। मैं मनीष पाठक, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष पिंडरा। जी, आप किस किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट के लिए क्या बातें हो रही हैं आपसे? देखिए, हम जा रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर। जो गांव में विकास हुआ है, जो महिलाओं के लिए उत्थान का काम हुआ है, जो किसान के लिए काम हुआ है, जो युवाओं के लिए काम हुआ है, हम उस मुद्दे पर जा रहे हैं। जी, कौन कौन से मुद्दे, मतलब जैसे कि विशेष करके कौन से मुद्दे आप रख रहे हैं जनता के विकास के, कौन से बातें आप रख रहे हैं? देखिए, हम जो सबसे बड़ी यहाँ विकास का मुद्दा है, जो यहाँ पे ज़्यादा किसान रहते हैं, तो किसानों के लिए दो काम हुआ है, एक तो बिजली का काम, दूसरा रोड का काम। अब जैसे हमारा विधानसभा शुरू होता है बाबतपुर चौराहे से, अब वहाँ से चलिए निकल जाइए पलही पट्टी होते हुए चौबेपुर, अब वहाँ से निकल जाइए सिंधोरा, निकल जाइए अकोढ़ा, आप वहाँ जाइए कठिरा, तो देखिए चारों तरफ एक अच्छा रास्ता है जिससे किसानों के लिए आवागमन अच्छा हुआ, आम व्यक्ति का आवागमन अच्छा हुआ। और दूसरी बात, जो बिजली मिलने लगी, उससे सबसे ज़्यादा किसानों को ये फायदा हुआ कि किसान ठंडी से मरना बंद हो गए। पहले गेहूं का सिंचाव होता था जो 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी फरवरी तक, और यही सबसे मेन होता था ठंडी का समय। आज कोई किसान अपने गेहूं का सिंचाव नहीं करता है रात में। और सारे किसानों के जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सबके लिए जो है क्रय केंद्र जो वो सरकारी खुला हुआ है, वहाँ पे अच्छे रेट में गेहूं लिया जा रहा है, चावल लिया जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा किसानों का विकास हुआ, जो यहाँ पे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री और हमारे सबसे बड़ा जो इसमें योगदान रहा प्रधानमंत्री जी का, जो अमूल का कंपनी यहाँ पे खुला है बनास डेयरी, इसने वो काम किया है कि आज किसी के पास 5 बिस्सा जमीन किसान के पास है, तो वो 5 बिस्से में कितना गेहूं पैदा करेगा, लेकिन वह अगर 1 बिस्से में अपना गौ पालन करता है तो वो 10-20-25 हज़ार महीना कमा रहा है। तो ये जो विकास हुआ है, हम इस मुद्दे पर जा रहे हैं। हमारे पास मुद्दा महिलाओं के लिए है। आज देखिए, जितने भी गरीब महिलाएं हैं उनके नाम पर आवास है। आज एक गरीब माँ का बेटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूर्य जब उदय होते थे तो महिलाएं शौच के लिए नहीं निकलती थी, फिर वो अक्सर वेट करती थी सूर्य के अस्त होने का। इसमें दो नुकसान होता था, एक तो उनको पेट की मरीजी होती थी और उनके पेट में जो बच्चे होते थे वो भी बीमार जाते थे। तो इन सब चीज़ों से बहुत जो है कि पूरा समाज सुखी हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक कहने वाली बात है कि आज देखिए, पहले क्या होता था, रोडें ख़राब होती थी तो सबके गले में पट्टा होता था, आज देखिए रोडें अच्छी हैं तो लोगों की जो बाइक चलाने वाले हैं, कमर और गले का पट्टा भी बंद हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है कि विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। तो हम लोग पूछते हैं कि आप छोड़िए, हमारी सरकार 14 से थी, आप उससे पहले आप बताइए कि आपने क्या किया। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन के लिए तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मत लगाओ, ये जाके चोरी से लगवा लिए, राहुल गांधी जाके चोरी से लगवा लिए, तो किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया तो हल्ला हो गया लगवाए। तो ये सिर्फ समाज को गुमराह करना, इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको डरवा के वोट लेना, कैसे भी वोट मिल जाए उससे भले मेरा देश कितना पीछे चले जाए, मेरे देश के लोग कितने पीछे चले जाए। आज ये जो कर रहे हैं, एक जो मानसिकता इनकी इतनी ख़राब है, इसको क्या कहा जाए कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं और वो अपने घर और पार्टी के लिए करते, तब वो इस लोग ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूँ गंदी शब्द का, क्योंकि जिस समय कोरोना काल था उसमें क्या भयावह स्थिति थी, और उस स्थिति में सरकार ने बिना पैसे लिए किसी से आम पब्लिक के लिए फ्री में कोरोना लगवाया, सुई लगवाया, सारे लोग खुश है और स्वस्थ भी हैं। तो अब ये बात कहाँ से आ गया कि कोरोना का सुई लगा, हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर कितना अटैक आया जो कह रहे हैं, वो तो किसी के परेशानी है, दिक्कत है, कुछ हो जा रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि कोरोना का सुई लगा, सबको लगा हुआ है, सबको तो कुछ ऐसा नहीं है, उनको भी तो लगा हुआ है, उनके बच्चों को लगा हुआ है, उनके पूरे परिवार को लगा हुआ है, वो लोग क्यों लगवाए तब? जी, जैसा कि सरकार की है कि भाजपा का एक नारा है कि 400 के पार, इस पर आप क्या क्या देखिए, हर आप चले जाइए किसी गांव में, जो व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है,
आप उससे पूछे वो बताएगा कि 400 पार का नारा कितना सफल होने वाला है। यह नारा हर गांव का व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने काम किया है, मुख्यमंत्री ने काम किया, हमारे सांसद जी ने काम किया, विधायक जी ने काम किया है। आप देखेंगे तो ब्लॉक प्रमुख स्तर के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जो कि पदाधिकारी, उन्होंने भी क्या काम किया है। तो हम लोग निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं जी। जैसा कि आप देख रहे थे, हम पिंडरा विधानसभा के पिंडरा मंडल अध्यक्ष मनीष पाठक जी से बात कर रहे थे, उनसे चर्चा किए कि चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वो सरकार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी बात को बेबाकी की तरह से रखा, अपनी बात को पूरी तरह से बताया। मैं दीपक कुमार सिंह, संवाददाता, चोलापुर, संसद बाड़ी।